एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। आज हम इंडिया एक्सप्रेस में आपको भोपाल से ग्वालियर तक के चुनावी सफर पर ले चलने वाले हैं, जहां हमारे संवाददाता रीमा पाराशर ने मुसाफिरों से सियासी सवाल जवाब किए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, तापमान भी डिग्री दर डिग्री बढ़ता चला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रीमा पाराशर। मध्य प्रदेश में भी गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही, और कुछ ऐसा ही हाल हॉट सीट भोपाल का भी है, जहां पर हवा इस वक्त किस तरफ बह रही है ये आकलन लगाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। तो इंडिया एक्सप्रेस के आज के सफर में हम चल निकले हैं भोपाल से ग्वालियर गुना की तरफ। जी हाँ, वो इलाका जहां से कांग्रेस के दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतरते हैं, लिहाजा अहम सीट मानी जा रही है। और इस पूरे सफर के दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है राजघराने की राजनीति और चंबल के बिहड़ में आखिर चल क्या रहा है। तो भोपाल से ग्वालियर के रास्ते में हमारी ये ट्रेन कुछ बड़े शहरों से होकर भी गुजरेगी, जिसमें से झांसी आएगा, विदिशा आएगा, और वहां की जो राजनीति है उन तमाम बातों पर हम यहां पर यात्रियों से जरूर चर्चा शुरू करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो हमारा तो बीजेपी का है। बीजेपी का है? हाँ जी। किस वजह से है? काम किया है उसने, काम किया है और काम दिखाई भी दे रहा है। मतलब आप ट्रेडिशनली बीजेपी को ही वोट करते हैं या मोदी के काम पे इस बार लगते हैं? नहीं नहीं, मोदी के काम पे भी करते हो, बीजेपी स्टार्टिंग बचपन से ही है। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी के प्रति इतना लगाव किस लिए है? वो ठीक है, हमारी विचार मिलते हैं। अच्छा। आप क्या मानते हैं आंटी? बस मोदी है, काम कर रहा है, गरीबों की कर रहा है मदद। हाँ। बस वही है, गरीबों की मदद होनी चाहिए, वही सही है जो पहले कांग्रेस ने इतने साल नहीं किया, अब मोदी कर रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो तो 72,000 रुपए देगी साल के किसानों को, बहुत सारी बातें कर रही है। नहीं, नहीं है। वो बातें करती है, देते नहीं है। मोदी ने जो किया है, दिया है तो दिखाई दे रहा है, जो दिया है उन्होंने, उन्होंने जो वो बोला है दिया नहीं है उन्होंने। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, इनकी बात तो पूरी एक तरफा लग रही है। नहीं, हमारे यहाँ पे कांग्रेस था, अभी सब चेंज हो गया, अभी मोदी की तरफ है। अच्छा। हाँ, उन्होंने काम किए इसलिए सब चेंज हो गया, मोदी है अब हम कर्नाटका में। कर्नाटका से आप? कर्नाटका से, गुलबर्गा से। अच्छा, अभी सब चेंज हो गया, मोदी हो रहा है। तो कर्नाटका में भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ? हाँ, इस बार बीजेपी आएगा। क्या वजह है बीजेपी की तरफ? अच्छा काम मोदी का और सभी चेंज अच्छा लग रहा है। कांग्रेस तो कह रही है कि 60 साल में ही वो काम किया, जिसकी वजह से आज मोदी भी कुछ काम कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता तो उसके पास रही, उन्होंने उसको दिया है ना, अंजाम दिख रहा है वो अभी। 60 साल में जो नहीं दिखा वो अभी 5 साल में सभी दिख रहा है हमको। पहले स्टेशन में खड़े रहने को नहीं जमता था, लेकिन इतना साफ अभी सभी किधर भी जाओ आप, सभी स्वच्छता अभियान का बहुत फायदा हुआ है हमको सभी। है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? वही मथुरा। अच्छा, आप मथुरा जा रही है, वहाँ से तो हेमा मालिनी मैदान में थी, तो क्या लग रहा है? वोटिंग सोलापुर का है। अच्छा। पुणे सोलापुर गुलबर्गा से आए हम, अभी सिस्टर है मथुरा में, वृंदावन उधर जा रहे हैं। अच्छा, सोलापुर में क्या कह रहा है? सोलापुर में ये टाइम मोदी बीजेपी ही आएगा, बीजेपी शिवसेना। शिवसेना मोदी से आएगा। आंटी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार कुछ अलग लग रहा है माहौल? नहीं, हमें अलग पहला पसंद हमें मराठी है, बीजेपी लस देता हूँ मत। अच्छा। कमल शिवसेना बीजेपी? हाँ, शिवसेना भी नहीं, कमल की कमल। यहाँ पर तो हमने बात की तो सभी लोग ऐसा लग रहा है कि बस बीजेपी बीजेपी की तरफ ही हवा बह रही है। आपका क्या मानना? मैं राजस्थान से हूँ, मेरा ये मानना हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही जीतेंगे। अच्छा, अजमेर से हैं, बहुत अच्छा काम किया है, जीएसटी, स्वच्छ भारत, वैसे कई अच्छे काम किए हैं। हाँ। और इसलिए 100% मोदी है। इस बार आपके लिए चुनाव में मुद्दा क्या रहा? मुद्दा तो कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार लोग मुद्दे रखते हैं पर कुछ होता नहीं, तो हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कुछ अच्छा हो, पर देखते हैं क्या हो सकता है आगे। तो मतलब आप जब वोट डालने जाएंगे तो मन में कोई ऐसा नहीं होगा कि इस आधार पे आप वोट डाल? नहीं, मैं जाके मेरी चुनौती, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करता हूँ। मुद्दे तो इन जनरल है, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस,
रोजगारी पर हर कोई आता है, मतलब अपने अपने कार्यकाल में आके इन सारी चीजों के बारे में बात करता है, पर कोई कुछ करता नहीं है। कुछ करता नहीं है तो इनका ये मानना है कि चुनाव के वक्त नारे दिए जाते हैं और नेता घर घर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वोटिंग होते के साथ ही वो भूल जाते हैं। तो विपक्ष के नारों में कुछ दम है ऐसा लग रहा है आपको इस बार? नहीं, दम तो कहीं है ही नहीं है। एक ही बात है, मोदी है, जब तक ठीक चला चलेगा, अगर कभी कुछ गलत कर दे बात तो अगले वाली बात। अभी तक इंडिया जैसे चल रहा है मेरा ख्याल से बहुत अच्छा है, उन्हीं को आना चाहिए, क्योंकि जो शांति अभी भी है, सभी लोग आपको भी पता चल रहे होंगे, आप न्यूज वाले हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन अच्छा है कि इस जिस तरीका से काम अपना कर रहा है, 100% तो कोई नहीं दे सकता है। किसी भी काम के लिए जाइए, आप खुद भी कोई काम के लिए 100% आप भी नहीं दे पाओगे, लेकिन मेरा जहां तक देखता हूं सुनता हूं, जो भी काम किया है, जो शांति की बात है, नुकसान से जो शांति की बात है, अभी तो फिलहाल है, इस वक्त तो है। तो इससे पहले आपको लगता है कि किसी सरकार ने शांति की पहल की नहीं थी? शांति की पहल मुंह पे बताया गया, लेकिन अंदर राजनीति से क्या होता है आपको भी मालूम है, लेकिन शांति की पहल करने से भी तो बिगाड़ा तो है ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोशिश किया होगा लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन अभी जो सरकार है कोशिश करता है तो कम से कम 60% तो सफल हुआ है। आप क्या मानते? हम तो मोदी जी को मानते। मोदी जी को किस वजह से? अच्छे काम किए हैं इसलिए। ऐसा कोई काम किया है जिससे कि आपको खुशी मिली? हमारी पेंशन बढ़ाई है, इसी की खुशी है। कहाँ रहती हैं आप? हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में इस बार बड़े अजीब से टिकट मिले हैं सबको। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या मानती हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थी, इस बार नहीं हो पाया, तो बहुत अदला बदली चल रही है। ये तो हमें मालूम नहीं है। आम आदमी पार्टी कैसी लगती है? वो भी अच्छी लगती है। उन्होंने पानी फ्री कर दिया। और आपको कौन अच्छा लगता है? कोई तो नेता विपक्ष में भी होगा जो अच्छा लगता होगा। अच्छा, ये मोदी ने जो अच्छे काम किए बस यही हमें अच्छा लगा। उन्होंने अपना पानी का किया, केजरीवाल ने, उन्होंने भी अच्छा किया, दिल्ली को फ्री कर दिया, लाइट का भी फ्री कर दिया, काफी सहूलत तो मिली है। देखो अब कौन आता है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, इनमें से कोई अच्छा नहीं लगता? अच्छा, जो काम ही नहीं अच्छे थे फिर हम ऐसे क्यों कहें? उनको भी अच्छे है, हम क्यों किसी को बुराई करें? आप क्या मान? नरेंद्र मोदी। मोदी? हाँ। क्यों? मेरे बच्चों को वही नरेंद्र मोदी पसंद। अच्छा, बच्चों को नरेंद्र मोदी पसंद है इसलिए? पूरी पिक्चर इन लोगों ने देखी, तब से वो बोलते हैं नरेंद्र मोदी आने चाहिए। कौन सी पिक्चर देखी? पूरी। बच्चों ने उरी फिल्म देखी, उनको मोदी का रोल बहुत पसंद आया, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी ये बोला है कि आपको भी अब मोदी को ही चुनना है, तो बच्चों की वजह से पेरेंट्स जो हैं ये मत बना रहे। अभी तक हमने देखा था और बात भी की थी लोगों से कि परिवार में एक सहमति बनती है कि किस पार्टी की तरफ जाना है, और ज्यादातर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों को बताते हैं कि आपको किस पार्टी की तरफ सोचना है या विचारधारा कौन सी है फैमिली की। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिलचस्प मामला है जहाँ पर कि बच्चे बात कर रहे हैं। इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, इस बार नोटा दबा रहे हैं। नोटा? या क्यों? आप देखो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे जो है एजुकेशन पे बात नहीं हो रही, हेल्थ पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है सेना क्या कर रही है, राम मंदिर कब बन रहा है, तो ये डिस्कशन हो रहे हैं। आपकी बेसिक नीड्स क्या है उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना जा रहा। तो आपकी बेसिक नीड्स क्या है, मतलब किस तरह की? एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, तो ये बेसिक नीड्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो इस पर बात होनी चाहिए। ये कैसे मिलेंगी? पोल्यूशन इतना है दिल्ली में जाके, आप देखो कौन देगा? सही, गवर्नमेंट देगी। तो आपको लग रहा है कि जो विकास का नारा दिया गया था वो राष्ट्रवाद, एक दूसरे पे कटाक्ष करना, विचारधारा, हिंदुत्व, इन सब पे आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बेसिक उस पे इंसान की उस पे बात नहीं हो रही। सेना क्या कर रही है, मंदिर कब बन रहा है, वो 72,000 रुपीज देंगे गरीबों को, उससे कुछ नहीं होगा। बट आपको लगता है कि नोटा कोई विकल्प है या किसी को चुनना विकल्प है? नहीं, नोटा अभी विकल्प है, जब उसकी वैल्यू हो जाएगी ज्यादा परसेंटेज, तो इलेक्शन कमीशन सोचेगा कि हम पार्टी जो है उनको कैसे वो हम दे रहे हैं।
तो यहाँ पर बात मुद्दों की हो रही है और इनका मानना है कि चुनाव अब भटक चुका है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ विचारधारा की बात कर रही हैं या फिर कि राम मंदिर का मुद्दा आ रहा है या तमाम ऐसी बातें हो रही हैं जिससे इनका कहना है कि मुद्दे कहीं ना कहीं भटक चुके हैं और इसीलिए नोटा की तरफ ये अब जाना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, जो बच्चों लोग को काम मिले, युवा लोगों को काम नौकरी मिलना चाहिए। तो क्या लगता है बेरोजगारी कौन दूर करेगा? सरकार करेगी, कौन करेगी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो दूर करेंगे, मोदी अपने आंकड़े गिना रहे हैं बेरोजगारी के और रोजगार देने के, किसकी बात में दम लगता है? बात देखो, जो रोजगारी मतलब बेरोजगारी मतलब महंगाई दूर करेगा वही, मतलब कोई सरकार कोई रहने दो, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। हर साल वही मुद्दे रहते हैं, हर चुनाव में एक ही मुद्दे रहते हैं, वही बात रहती है, वही रहता है, ना बेरोजगारी दूर होती है ना बच्चों को काम मिलता है, कुछ नहीं होता है। हर आपको भी पता है वही रहता है, हर साल जब भी मुद्दा को चुनाव को बनेगा वही आएगा कि ये करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी मुद्दा है, कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी भी आए 5 साल में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जितने वादे किए थे एक दो वादे पूरे किए होंगे तो किए, कुछ नहीं किया। तो आप खुश नहीं है? हम क्या, कोई जनता भी खुश नहीं है, वो तो खाली वोट देने को जाते हैं। अभी देखो, आपको पता है किसकी सरकार बनेगी, वो भी काम पूरे होने वाले नहीं है। राम मंदिर कब से सुन रहे हैं, अयोध्या का बना नहीं बना, सरकार ने बोला था आते ही हम शुरू कर देंगे काम, किया नहीं किया 5 साल पूरा, अभी बोले 5 साल और दो, 5 साल भी मिलेंगे तो भी नहीं करेंगे पूरा खाली, क्योंकि अगर करेंगे तो पिछले उसके बाद 22 के बाद जो चुनाव होगा तो उसमें क्या मुद्दा रखेंगे, बस वही है उनको उनको। तो आप नेताओं की नब्ज पहचान गई है? नब्ज हम क्या, आप भी पहचाने, पूरी जनता पहचानती है, क्योंकि अगर मुद्दा ही पूरा खत्म हो जाएगा तो चुनाव किस चीज पे मांगेंगे, वोट किस चीज पे करेंगे, इस पे हम देंगे, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता देश का। तो ये लगता है नेताओं की नब्ज बिल्कुल पकड़ चुकी है, इनका मानना है कि चुनावों में बार बार वही मुद्दे रखे जाते हैं और वो इसलिए भी रखे जाते हैं क्योंकि हर चुनाव में वोट पाने के लिए नई बात कहां से लाएं। तो ईवीएम को लेकर काफी बवाल खड़ा हुआ हुआ है, विपक्ष काफी सवाल जवाब कर रहा है, ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं इसको लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आम जनता शायद इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ईवीएम के बारे में कुछ सोचते हैं आप, जो विपक्ष कह रहा है हैक हो सकता है? हाँ, अगर डिजिटल है ईवीएम तो मे भी शायद हैक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल चीजें हैं वो बिल्कुल हैक हो सकती हैं कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू। बट हाँ, अगर जो सेंट्रल है, गवर्नमेंट है और जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है इलेक्शन का, वो निष्पक्ष है तो मे भी शायद नहीं होगा। आपके लिए हिंदुत्व, राष्ट्रवाद ये सब मुद्दा है? हाँ बिल्कुल, अगर जो भाई है, चाहे वो मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो, अगर मिलके रह रहे तो हाँ, पहले जैसे इंडिया में रहता था, पर अब ये है कि नहीं, ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, ये अदर उसका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पर्सन ये थिंकिंग रखता है उसको ही आई थिंक बाहर निकालना चाहिए यहाँ से। आप भी ये बात मानते हैं? हम आपके लिए राष्ट्रवाद या हिंदुत्व कोई मुद्दा है? राष्ट्रवाद या हिंदू कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ पार्टी अपने वोट्स के लिए वो बस करती हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। और बाकी राष्ट्रवाद का यही मुद्दा बस कि पार्टीज का ही है और आम पब्लिक का नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पार्टीज के लिए। जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया गया, उनके बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर वो ऐसे कटाक्ष कर रही हैं, कभी हेमंत करकरे पे किया उन्होंने, कभी अयोध्या में ढांचा गिराने की वो बात करती हैं, ये तमाम चीजें आपको नहीं लगता कि पोलराइज हो रहा है चुनाव? नहीं, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है, हिंदू मुसलमान ईसाई जो भी है, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। अभी भी आप आम पब्लिक के बीच में जाओगे, एक तरफ हिंदू की फैमिली रह रही है, एक मुसलमान की, आप देखो वो मिलके रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये पॉलिटिक्स के लिए है बोलने को। आपके लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा? चुनाव के लिए ये मुद्दा है कि मोदी जो कर रहा है वो सिर्फ वो चाहता है कि बिजनेस स्टार्टअप करे, कि कितनों को वो नौकरी जॉब्स दे सकता, स्टार्टअप करे कि कितनों को वो नौकरी जॉब्स दे सकता है, लोगों को इस तरफ यूथ को लेके जाना चाहता है, वो खुद का बिजनेस करे, मेड इन इंडिया, जो खुद की फैक्ट्रीज लगाए, खुद का स्टार्टअप करे, चाहे छोटा सा बिजनेस करे। इंडिया एक्सप्रेस अब ग्वालियर पहुंच गई है। इस सफर के दौरान हमने ईवीएम विवाद पर चर्चा की और लोगों से ये भी जाना कि आखिर कैसे इस बार फिर से चुनाव अपने मुद्दों से भटकता जा रहा है और नेता तू तू मैं में ज्यादा फंस गए हैं।
लोग इस बात से चिंतित भी लगे और निराश भी लगे, लेकिन हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपनी ये चिंता दूर करनी है या फिर कुछ बदलाव लाना है तो उसके लिए आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए घर से निकलिए और वोट जरूर डालिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और हमेशा इंडिया न्यूज़ ये अपील करता है कि मतदान का आप उपयोग जरूर करें, बहुत मुश्किल से यह हक मिलता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।